नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण लाल यादव और आप सब मुझे भी देख रहे हैं भोजपुरी फिल्म तारा समाचार पे लाइव। और अभी हमारे स्टूडियो में BFTS स्टूडियो में एक बच्चा आया हुआ है जिसका नाम है अंश, छोटा सा लड़का है। देखिए, और ये खुद परिचय अपना देगा और आज दिखाएंगे ये कैसा गाता है, म्यूजिक पे भी आपको सुनाएंगे जस्ट कि कैसा गाता है। तब तक थोड़ा इसे इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कहाँ से है और सिंगिंग लाइन में कैसे आया है। मेरा नाम अंश मिश्रा, जिला मुजफ्फरपुर, कांटी थाना गांव अड़रा का रहने वाला हूँ। इस बच्चे को म्यूजिक पे भी मतलब कि गाना चेक कर रहे हैं कि म्यूजिक पे गा पाता है या नहीं, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर इसको आगे बढ़ाना चाहिए, आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि बच्चा कॉमेडी करता है, तो थोड़ा सा कॉमेडी करके दिखा दो। बहुत अच्छा कॉमेडी करता है। अभी हम स्टूडियो में जस्ट सुन रहे थे तो अच्छा लगा, आप भी थोड़ा सा देखिए जो टैलेंट है जो कॉमेडी कर रहा है, थोड़ा सा हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। अटल बिहारी जी का जब तब बचेगा दिन दिन कन बचेगा, हम लोग बच्चे पुल पर बिहार का पुल पर आपको देखने को मिलेगा जो BFTS म्यूजिक पे आ रहा है। और आप सबसे निवेदन है कि अंश को आप सब प्यार दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मतलब सपोर्ट कीजिए, ताकि ये भी जिस तरह से हमारे स्टूडियो से सभी बच्चे को सपोर्ट किए आगे बढ़ाए हैं, उसी प्रकार से इसको आशीर्वाद दीजिए, हर गाना को प्यार दीजिए। और ज्यादा से ज्यादा इसका गाना जब आएगा और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर लोग इस बच्चा को जान सके और इसका सभी गाना का व्यू अच्छा जाए और जीवन में आगे बढ़े। ऐसे स्टेज शो भी करता, बहुत स्टेज शो आप सर्च करके देख सकते हैं, अंश मिश्रा जो बहुत अच्छा कॉमेडी भी करता। तो बस जस्ट गाना आने वाला BFTS म्यूजिक पे, BFTS पे। और अभी जो अभी मुझे जो लाइव देख रहे हैं भोजपुरी फिल्म तारा समाचार पे, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपके पास भी टैलेंट है तो आप आइए हमारे स्टूडियो
आपको भी इस तरह सपोर्ट किया जाएगा। और इसके साथ इनका पापा भी आए हुए हैं, देखिए निशा जी के भाई हैं, तो थोड़ा सा लास्ट में बस दो शब्द इनसे सुनना चाहेंगे, इनका पापा से भी कुछ बोलिए इसके बारे में। अंश को आशीर्वाद प्यार दीजिए, और टिंकू भैया है हमारे आशीर्वाद प्यार देने, यही है जो देखिए हमारे स्टूडियो में लेके आए हैं। और इनका मतलब इसका हुनर इनको पता चला कि यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पर लाए तो इनका बड़ा योगदान है। निशा जी के भाई हुए स्टेज से जो देखते होंगे आप लोग, तो बस सपोर्ट कीजिए। और कुछ कहना चाहेगा लास्ट में? यही कहना चाहते हैं लालू जी के आवाज में, बकला जब इस वीडियो को देख रहे हो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, इमोटर गाड़ियों से प्रचार कर रहे हैं, लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे, और वीडियो को अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार बांटे, ठीक है? चलिए शेयर कीजिए, धन्यवाद।